अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक आज के इंडियन एक्शन के एक और नए वीडियो के साथ। तो फाइनली अभी अभी जस्ट नदीम सरवर साहब का एक और नोहा रिलीज हुआ है, जिस नोहे का नाम है हाय हुसैन इब्ने अली। सो ये नोहा कैसा होने वाला है ये वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। सो इंशाल्लाह वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम आप सबको एक चीज जरूर, जो एक अंदर फीलिंग आई है ना पिछली वीडियोज को लेकर, के आप सब ने कुछ लोगों ने ही कमेंट्स में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग जिनको हुई और उन्होंने मुझे काफी एक कह लें कि अच्छा कमेंट, जो कि थोड़ा सा अजीब गरीब बात कहने लग गए कि आप हंस रहे थे, ये वो दुनिया भर की चीजें थी। देखें यार, एक चीज तो पता चलती है कि बात किस तरह की हो रही है ना। जो असल बात हो रही होती है मौला की, जज्बात की बात हो रही होती है, मौला की खुशूसियात की बात हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रही क्या चीज पे बोलना चाहिए, क्या चीज पे हंसना चाहिए। हाँ, कुछ शुरुआत के कुछ मोमेंट में मैंने कुछ अपना एक हरकत, कुछ चुटकियों का कुछ किया था, वो मैं नामुनासिब समझता हूँ। एग्जैक्टली आई एक्सेप्टेड कि वो इसलिए हो गया था कि क्योंकि वो मेरा ना एक एक्साइटमेंट थी नदीम सरवर को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मुझे कि उनका नोहा आने वाला है और एक जबरदस्त किस्म का होगा, जैसा भी होगा। तो वो कहीं एक्साइटमेंट मेरे सामने स्टार्टिंग में ही कुछ इस तरह की चीजें होगी, वो मुझे लगा। मैंने अपनी वीडियो जब खुद देखा मैंने रिपीट करके कि यार क्या ऐसी बात होगी जो आप सब ने इतना मुझे कमेंट में आप हंसने को चीजों को मना कर रहे हो, ये वो, तो कहीं ना कहीं वो मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो उस नोहे में इतने जज्बात थे, इतनी पहलो की जोश वाली चीजें थी कि बंदा अपने आप को नहीं रोक सकता। मैं जो रियल हूँ यार, मैं वो चीज आप सबके सामने रखता हूँ। मैं कोई ऐसा फेक वाला काम नहीं करता कि आके बस फजूल चीजें आकर आपके सामने मैं करूँ। मेरे अंदर वो फितरत नहीं है मेरे भाई, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। जो चीज मैं करता हूँ वो रियल है। अगर वो आपको अच्छी लगी तो अच्छी लगी, अगर बुरी लगी तो बुरी लगी। तो वो आप हमें कहते हो जो भी है कमेंट में, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा। मुझे अगर इन सब चीजों की परवाह होती, अगर मैं ये सब जानबूझ के करता, तो मुझे अपने बैड कमेंट्स के लिए, क्या मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ? मैं कभी नहीं कोई रेडी होता कि मुझे कोई बुरा भला कहे मुझे कमेंट्स में आकर कि आप क्यों हंस रहे थे, आप पर ये है वो है, दुनिया भर की चीजें लोगों ने। खैर, कुछ लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे उस चीज को लेकर, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने खुद अपने लोगों से भी इस चीज को देखा, पूछा भी, भाई आपने हमारी रिएक्शन देखी थी कि नहीं, कि क्या उसमें लगा, क्योंकि मैं कभी कभी मुझे खुद से शर्म आने लग जाती है कि ऐसी भी चीज मैंने क्या कर दी है यार। जो रियलिटी थी वो नजर आई, वही सच्चाई थी मेरे अंदर जो थी, वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरी मोहब्बत। अल्लाह जानता है कि वो किस तरह की मोहब्बत मेरे मौला से है और किस खुशी पर, किस गम के साथ, गम में भी अगर मैंने मुस्कुराया है तो वो किस मुस्कुराहट में, क्या बात थी क्या नहीं थी। तो वो एक जज्बा वाली नोहे थे। उस नोहे में जिस तरह अंदाज थे, जिस तरह से उनका लिरिक्स था, जिस तरह से उनके पोएट जैसे भी थे, आप कहीं ना कहीं उस पोएट में आप कह लो जज्बात आपको तो आना ही आना है, जज्बाती आपको होना ही था। लेकिन वो चीज जैसा हुई मैंने किया यार उसमें। लोगों ने जिस तरह भी कुछ कहा है, मैं क्या बोलूं लोगों के बोलने पे, अगर मैं लोगों के बोलने पर अपनी सोच को और अपनी चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लग जाऊं तो मैं काफी डिप्रेस फील करूंगा यार, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगी फिर। तो खैर, मैंने उन सब चीजों को साइड में कर दिया और सिर्फ और बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सब प्लीज मुझे इतना गलत ना समझा करें। वो मेरी मोहब्बत थी, वो मेरी फीलिंग थी, मेरे मौला से जिस तरह की फीलिंग है वो जाहिर हुई है। मेरा अल्लाह जानता है किसी की मुस्कुराहट में क्या छुपा है, किसी के रोने में क्या छुपा है, वो अल्लाह जानता है। तो आप किसी को भी इस तरह जज ना किया करें, ठीक है। बहरहाल, तो आज हम देखेंगे, अभी जस्ट रिलीज हुई है नदीम सरवर साहब की एक और नोहा, जिसमें हाय हुसैन इब्ने अली, अल्लाह जाने कि ये कैसा होगा। अब इसे हम देखते हैं कि इसमें किस अंदाज में पेश किया है, क्या उनके लिरिक्स हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज होगी, वो खुद ब खुद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट द वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। हाय हुसैन इब्न अली, हाय हुसैन इब्न अली, हाय हुसैन इब्न अली, हुसैना हुसैना मजलूम करबो बला, हुसैना हुसैना मजलूम करबो बला, हुसैना हुसैना। इसे सुन के लग रहा है कि ये सैन है, आप पकड़ जाते हो यार, वो चीजें समझ आ जाती है। हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, सदा रहेगी तुम्हारी ये आजादारी। हाय हुसैन इब्ने अली, दिलों में गम हो लबों पर हो सदा जारी। हाय हुसैन इब्ने अली, मजाड़ा शोर मातम दे,
हुसैन गम देवई, दिलों में गम हो लबों पर हो सदा जारी, है हुसैन इब्ने अली। हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन। हम रहे या न रहे गम ये आबाद रहे, हर कदम कर्बला दम बदम याद रहे, जब तलक सांस चले जब तलक जान रहे, सिलसिला जारी रहे, शेख मातम न रुके, दिलों में याद रहे हमेशा तुम्हारी, जाए हुसैन इब्ने अली, सदा रहेगी तुम्हारी ये आजादारी, जाए हुसैन इब्ने अली, दिलों में गम हो लबों पर हो सदा जारी, जाए हुसैन इब्ने अली। हुसैना हुसैना ज़ुल्म में कर दो बला, हुसैना हुसैना ज़ुल्म में कर दो बला, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन। वो हुसैन इब्ने अली दिलबरे सिल्ले अला, जो सरे कर्बला बेखता मारा गया, अपना सब दी के लिए जिसने कुर्बान किया, प्यासा दुनिया से गया बेकफन भी जो रहा, ज़माना करता रहेगा ये आहुजारी, हाय हुसैन इब्ने अली, बजाड़ा जाड़ा ननम से शोर मातम दे, दादा हुसैन गम दे वही, दिलों में गम हो लबों पर हो सदा जारी, हाय हुसैन इब्ने अली। हुसैना हुसैना मज़लूम में कर दो बला, हुसैना हुसैना मज़लूम में कर दो बला, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन। कहता है सारा जहां बादशाह हस्त हुसैन, कहते हैं पीरो जवां रहनुमा हस्त हुसैन, है यही वर्द ज़बां दीपना अस्त हुसैन, कह रही है ये अज़ां लाइला अस्त हुसैन, सितम है आपसी हस्ती पे सितमकारी, हाय हुसैन इब्ने अली, सदा रहेगी तुम्हारी ये आज़ादारी, हाय हुसैन इब्ने अली, दिलों में गम हो लबों पर हो सदा जारी, हाय हुसैन इब्ने अली। हुसैना हुसैना ज़ुल्म में कर दो बला, हुसैना हुसैना ज़ुल्म में कर दो बला, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन। हाय जब सकीना ने कहा हाय प्यासे हैं चचा, पानी लाने के लिए फिर अलमदार गया, शोर दरिया पे हुआ बावफा मारा गया, हाय मातम था बपा मुझी ज़ैनब की सदा, अकेला रह गया आदम मेरा भाई, हाय हुसैन इब्ने अली, बजाड़ा जाड़ा ननम से शोर मातम दे, दादा हुसैन गम दे वही, दिलों में गम हो लबों पर हो सदा जारी, हाय हुसैन इब्ने अली। हुसैना हुसैना मज़लूम में कर दो बला, हुसैना हुसैना मज़लूम में कर दो बला, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन, हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन। उसका मातम है बाबा जिसकी है कर्बला, कलमा कुरान के लिए जिसने सब मार दिया, जिसका अकबर न रहा जिसका असगर न रहा, जिसका गाजी न रहा जिसका लश्कर न रहा, असर का वक्त था और तुम्हारी तन्हाई, हाय हुसैन इब्ने अली, सदा रहेगी तुम्हारी ये आज़ादारी, हुसैन इब्ने अली। हुसैना हुसैना मज़लूम में कर दो
कर्बला हुसैना हुसैना मज़लूम कर्बला हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन जान हुसैन 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 या हुसैन जान हुसैन। बादशाह क्या ना हुआ पूछो ज़ैनब से जरा, जिसने भाई की तरह हर सितम दिल पे सहा। कभी बाजार जफा कभी दरबार जफा, जिसने खुतबों से सदा शेख गम जिंदा रखा। है आज भी यही ज़ैन की सदा जारी है हुसैन इब्ने अली। बजाड़ा जाड़ा ननम से शोरो मा तुम दे दादा हुसैन तुम दे वही दिलों में गुम हो लबों पर हो सदा जारी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब क्या बोलूँ मैं इस वीडियो के बारे में। ये वो वीडियो है जहाँ पर मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, किसी के अंदाज़ में जो बयान होती है ना, बेशक वो अंदाज़े बयान कुछ भी हो, लेकिन जो गम जिस तरह से इजहार किया गया है, जिस तरीके से इसको पेश किया गया है हमारी नज़रों के सामने, जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह रहम कर या रब्बुल आलमीन, वो गम कहीं ना कहीं हम नहीं बयान कर सकते, वो हम बता ही नहीं सकते कि वो कैसी कैफियत रही होंगी। एक मोमेंट ऐसा उसमें था कि एक मोमेंट ऐसा आया कि जहाँ पर मौला की असर की जो बात हुई है कि असर में जो तन्हा रह गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या खूबसूरत बयान किया गया, क्या खूबसूरत बयान किया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको सब्र दे, अल्लाह हम सबको करबला में जो दर्द हुआ है ना उसे हमें महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाह आज जुमा का दिन था और हमारी मस्जिदों में मैंने देखा कि आज इस मुहर्रम के महीने में आपको अपनी गुनाह और अपनी सवाब और इन तमाम अज्र के बारे में बताई जा रही है, जबकि करबला के बारे में एक भी शुहदाए शहादा की बात नहीं की गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इस पहली तारीख से लेकर 10 मुहर्रम तक के बीच में जो इंसान थोड़ा अपने आप को मुहर्रम की दास्तान को सुने या दास्तान को पढ़े, उसके गम में मुफ्तला हो, वो कुछ भी नहीं। आपको ये बताया गया कि शायद आपको ये बताया गया कि आप अपने गुनाह को बख्शवाएं, आपकी इस महीने में क्या क्या चीज़ें हैं, रोज़े रखने चाहिए। यहूदियों का एक रोज़ा, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दास्तान बताई कि वो एक रोज़ा रखते हैं तो हम उनकी मुनासबत ना करके दो रोज़े रखेंगे क्योंकि हम भी ईमान लाए थे मूसा अलैहि सलाम पर, इस तरह के वाकयात को बताना। जबकि करबला इस महीने में हुआ क्या था, इस महीने में जो मेन सबसे बड़ी दास्तान सबसे बड़ी दर्दनाक वाकयात जो हुए थे उसे हमें कहीं ना कहीं नहीं सुनाई दिया। आज मैं बहुत अफसोस हुआ, मुझे वल्लाह कह रहा हूँ, मैं जब रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि या अल्लाह पाक क्या बट गए, ये बांट दिया मौला को। करबला जैसी दास्तान को लोगों ने अपना अपना बना के बैठ गए कि हमने बस मुहर्रम में ये बात करनी है तो किसी ने कुछ करना है। भाई जो हकीकत था उसको लोगों ने बताया नहीं, बहुत अफसोस हुआ मुझे, सच बता रहा हूं तो। और इसी ताजगी में उसी गम को लेकर मैंने जब ये चीज देखी है तो लफ्ज नहीं रहे, फिर से वो चीजें ताजा हो गई। अल्लाह रहम करे गाइस, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे सही समझ की सही सोच की। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।